और चलिए सिटी सेंटर की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रायपुर शहर जहां पे बीजेवाईएम के नेता आकाश सोलंकी का वीडियो वायरल हो रहा है और आकाश सोलंकी की कार में दिखी नोटों की गड्डियां। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा है कि विष्णुदेव साय की सरकार से सवाल पूछा है, इसकी जांच होगी या फिर वॉशिंग मशीन वाला फॉर्मूला लगेगा। ये सवाल पूछा है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा। इसे लेकर भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि साय सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने लिखा कि क्या बात है विष्णुदेव साय जी, आपका सुशासन तो गाड़ियों में नोट बनकर छलक रहा है, पहचाना इन्हें जो नोट की गड्डियों के साथ मूछों पर ताव दे रहे हैं, लीजिए आसान कर देता हूँ। ये भानु प्रतापुर बीजेपी युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष आकाश सोलंकी है। सुना है बेरोजगार है, सामान्य परिवार से आते हैं, अभी बताइए कि सुशासन में इसकी जांच होगी या फिर वॉशिंग मशीन वाला फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए ये आकाश सोलंकी के गाड़ी से ये नोटों की गड्डी बरामद हुई है जिसको लेकर विपक्ष हमलावर है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साय सरकार पर निशाना साधते हुए तंज कसते हुए सवाल पूछा है, जांच होगी या फिर वॉशिंग मशीन वाला फॉर्मूला लागू होगा। उन्होंने बाकायदा देखिए सोशल मीडिया पर ये तंज कसते हुए उन्होंने लिखा है कि ये ताव देते हुए मूछों को सुना है कि जिस तरीके से उन्होंने लिखा है सवाल तंज कसते हुए पूछा उन्होंने कि इसकी जाँच होगी या फिर वॉशिंग मशीन वाला फॉर्मूला लगेगा। इसे लेकर भूपेश बघेल ने लिखा है कि आपका सुशासन तो गाड़ियों में नोट बनकर छलक रहा है और पहचान बताते हुए उन्होंने लिखा है कि गड्ढियों के साथ मूछों को ताव दे रहे जो शख्स है ये है भानु प्रतापुर बीजेपी युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष बीजेवाईएम नेता आकाश सोलंकी के गाड़ियों से ये नोटों की गड्डी बरामद हुई है और साथ ही आकाश सोलंकी यहाँ पे मूछों को ताव देते हुए खुद ड्राइव कर रहे हैं। इसी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ने ये तंज कसा है। जुल्फिकार अली ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। जुल्फिकार, बीजेवाईएम के नेता की गाड़ी से ये नोटों की गड्डी बरामद हुई है और अब इसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है और सीधा सवाल यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री ने पूछा है, जांच होगी या फिर वॉशिंग मशीन में धुल जाएगा। बिल्कुल साफ बात है, जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल साइट पर उन्होंने जो पोस्ट किया है और जो वीडियो वायरल वीडियो को उन्होंने उसमें टैग किया है और सवाल जो छत्तीसगढ़ की सरकार से पूछा है, तो सवाल बनता तो है जिस तरीके से उन्होंने लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार है और उसका पारिवारिक बैकग्राउंड भी इतना नहीं है और उसके बाद अगर उसकी गाड़ी में लाखों रुपए मिले और गड्डियां ऐसी बिखरी हों जैसे वो सजा कर रखी गई हों और उसको एक जो बीजेवाईएम का नेता है वो उसका रील बना रहा हो, तो बिल्कुल ये बात तो बिल्कुल साफ है कि अगर हमने अक्सर देखा है कि अगर किसी भी के पास अगर जानकारी ज्यादा होती है, कहावत है ना कि अधजल गगरी छलकत जाए, वैसी स्थिति यहाँ पे है कि कहीं ना कहीं जो इनके पास पैसा है वो अभी हाल का ही पैसा है और उसको वो दिखावा करते हुए नजर आ रहे हैं और वीडियो जो है उन्होंने खुद बनवाया है, मूछों में ताव दे रहे हैं, रील के चक्कर में ये वीडियो बनाया है। अब किसने बनाया है ये तो जब उनसे बात होगी आकाश सोलंकी से या उनका बयान आएगा, हालांकि हमने कुछ देर पहले उनके टेलीफोन नंबर पर मोबाइल नंबर पर कॉल करी किया लेकिन उन्होंने कॉल का कोई भी अभी जवाब नहीं दिया है। उनके पक्ष जानने की भी कोशिश की है कि आखिर जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल साइट पर उनका वीडियो पोस्ट किया है और सीधे तौर से सरकार को घेरा है और सरकार को घेरने की वजह साफ है कि अगर उनका एक मंडल का पदाधिकारी इतनी बड़ी रकम लेकर गाड़ी में नुमाइश करता हुआ नजर आ रहा है तो उसकी वो सीधे तौर से जांच की मांग कर रहे हैं क्योंकि उसका ऐसा कोई व्यापारिक बैकग्राउंड नहीं है। भूपेश बघेल का कहना है ना किसी तरीके का वो वक्त अभी फिलहाल उनकी जानकारी में जो पोस्ट के आधार पर कि वो कोई काम करता है, तो इतनी बड़ी रकम सामान्यतः किसी व्यक्ति के पास होती नहीं और खासकर वो कैश इतनी बड़ी रकम किसी के पास हो, क्योंकि हम जो टीवी स्क्रीन में भी देख रहे हैं तो उसमें करीब ये देखे कि 18 गड्डियां नजर आ रही हैं और एक गड्डी में 500-500 के नोट की 4 गड्डियां बनी हुई हैं, मतलब कि 18 बंडल हैं और एक में 4 बंडल, तो ऐसे में सीधे तौर से उसको अगर देखें तो 36 लाख रुपए तो सीधा नजर आ रहा है। पीछे भी हो सकता है कि गाड़ी के जो पीछे बैक वाली सीट है उसमें भी पैसा हो लेकिन सामने जो रील बनाई है उसमें ये पैसा नजर आ रहा है, तो भूपेश बघेल सीधे तौर से सरकार को घेर रहे हैं कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और उन्होंने कटाक्ष इस बात को लेकर भी कर दिया कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रही है कि जो भी भ्रष्टाचारी और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है या भारतीय जनता पार्टी से जुड़ जाता है तो वो पूरी तरीके से क्लीन हो जाता है और
कांग्रेस का ये आरोप है कि भाजपा में शामिल होना मतलब भाजपा की वॉशिंग मशीन में शामिल होना और उसको क्लीन चिट देना। तो यही कटाक्ष पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी लिखा है कि इस मामले की क्या वो जांच कराएंगे, उन्होंने सवाल पूछा, या उनको भाजपा की वॉशिंग मशीन में वो है तो उनको पूरी तरीके से क्लीन चिट दे जाएगी। तो ये तमाम सवाल उन्होंने उठाए हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसका खंडन आना बाकी है कि भाजयुमो का जो पदाधिकारी वर्तमान में किस पद पर है और क्या क्या जिम्मेदारियां हैं और जो पदाधिकारी बताया जा रहा है उसका क्या स्टेटमेंट है। तो कुछ समय लगेगा और स्थितियां साफ होंगी आरोप और प्रत्यारोप को, लेकिन कांग्रेस में कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि सोशल साइट पे इस वीडियो को अपलोड करके बाजी मार ली हो। और बिल्कुल जुल्फिकार, यहाँ पे सत्ता की हनक के साथ साथ रील का नशा देखिए किस तरीके से सेल्फ गोल यहाँ पर हुआ है बीजेपी के द्वारा ही। और हालांकि आप लोगों ने कोशिश की है आकाश सोलंकी से बातचीत करने की, कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया है। क्या इस पूरे मामले में बीजेपी की कोई प्रतिक्रिया आई है? अभी फिलहाल हमारी एक नेता से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि अभी पूरे मामले को वो पता कर लेते हैं, क्या जानकारी उनको मिलती है स्थानीय स्तर के जो भारतीय जनता पार्टी के भाजयुमो के नेता हैं उनसे बात करने के बाद भारतीय जनता पार्टी का स्टेटमेंट आएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अगर देखें तो ये कैडर वाली पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की लाइन ऊपर से तय होती है। तो ये पूरा मामला जब भारतीय जनता पार्टी के जो छत्तीसगढ़ के जो शीर्ष नेतृत्व है वहां पहुंचेगा और वहां के बाद जो लाइन तय होगी, क्योंकि ये कांग्रेस की स्थिति अगर देखते तो कांग्रेस अपने आप को बहुत बड़ी प्रजातांत्रिक पार्टी, लोकतांत्रिक पार्टी बताती है, तो कांग्रेस में देखा भी जाता है कि कांग्रेस का कोई भी नेता किसी भी पक्ष पे अपने बयान दे देता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अब इस पूरा संज्ञान में आया है तो भारतीय जनता पार्टी इस पर अपने पूरे एक जो उनकी लाइन होगी उस आधार पर उनके नेता बोलते हुए नजर आएंगे। तो उसके लिए अभी कुछ इंतजार करना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके की जांच कराती। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बयान आए कि इस पूरे मामले की जांच कराने के बाद उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आए कि ये आखिर स्थिति क्या हुई, कि आकाश सोलंकी का जो वीडियो बताया जा रहा है, आकाश सोलंकी के पास ये पैसा किसका था और किसके लिए पैसा लेके जा रहा था। क्योंकि सीधे तौर से देखिए किसी भी व्यक्ति के पास अगर 38 से 40 लाख रुपए है और कैश पैसा है तो उसका उसके पास रिकॉर्ड होना बेहद जरूरी है कि इतनी बड़ी रकम आप लेके नहीं चल सकते। जब बैंक से का ट्रांजेक्शन आप कर रहे होते हैं 50,000 से ज्यादा, आपको ट्रेवल करने के लिए पूरे दस्तावेज लेकर चलना पड़ता है कि आपके पास 50,000 रुपए कैश है, और डिजिटल इंडिया के कंसेप्ट पर पूरा देश जब चल रहा है कि आपको जितने भी ट्रांजेक्शन करने हैं वो डिजिटली करने हैं ताकि उसको सीधे तौर से ट्रैक किया जा सके और ब्लैक मनी कम से कम हो। और ज्यादातर जो कैश पैसा है वो कहीं ना कहीं उसको ब्लैक मनी के तौर पर देखा जाता है या उसका टैक्स जमा नहीं होता है। अब इस पूरे मामले में देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से कब प्रतिक्रिया आती है, क्या एक्शन लिया जाता है, इंतजार करना होगा। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।